Hello everybody, I am Jayanshi and today I will tell you about advantages and disadvantages of synthetic fiber. Before that, I want to tell you that I have already uploaded a video of advantages and disadvantages of natural fiber. So don't forget to see it. I will give the link in description box. So let us start. First of all, what is synthetic fiber? Synthetic fiber is also known as human-made fiber. This is a fiber which is made by human from different material, chemicals in the industries. They are mostly obtained from petroleum. Synthetic fiber human banate hain different materials se aur different chemicals se. Aur ye mostly petroleum se obtain hota hai. वो वाला पेट्रोलियम नहीं जो गाड़ी में डलता है. यहाँ पे पेट्रोलियम एक केमिकल का नाम है. एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर नायलॉन. सो लेट अस प्रोसीड विद एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. क्लोथ्स आर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन. क्लोथ्स जो है वो लंबे समय तक चलते हैं और बार बार हमें प्रेस भी करनी नहीं होती. दे डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर. ड्राई फास्ट एंड रिकल फ्री. ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो ये जल्दी सूख जाते हैं और इनका कलर भी नहीं निकलता है. सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ट बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मॉथ्स एंड मोल्ड्स के द्वारा अटैक नहीं होते हैं. नाउ वी विल प्रोसीड विद डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. आवर फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ये गर्मी और पसीना नहीं सोखता है. ये जल्दी से आग पकड़ लेता है. तभी तो हमारी पेरेंट्स दिवाली पे भी कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ नहीं पहनने हैं क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ लेता है. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और ये जल्दी से हार्म कर जाता है हमारी एनवायरमेंट. नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब नॉट रिसाइकेबल. नाउ वी विल सी द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. आवर फर्स्ट इज रेयन, देन सेकंड इज नायलॉन, थर्ड इज पॉलिएस्टर एंड लास्ट इज एक्रिलिक. सो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स. We will meet in next video. Till then, take care and bye-bye.